जहां भी सेवाक्षेत्र के भवन है और जहां भी शादियां होती है प्री वेडिंग शूटिंग प्रतिबंधित है। ये विषय जब महासभा ने लिया तो ये दिखाने के लिए, ये सबको एक मैसेज देने के लिए कि हमारे यहाँ पहले से ये प्रतिबंधित है, ये बैनर यहाँ लगा दिए गए हैं। अब मैं एजेंडे का अगला विषय लेता हूँ। सेवा सदन प्रबंध कार्यकारिणी ने प्री वेडिंग पर तो रोक लगाई है, साथ ही डांस कोरियोग्राफर एवं मेहंदी बनाने वाले पुरुष भक्ति सिस्टम सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। यही नहीं, शादियों में कम से कम व्यंजन बनाकर खजूर खर्चे भी रोकने की भी कोशिश की जाएगी। समाज के गरीब तबकों को उठाने के लिए काम किया जाएगा। महासभा एवं महाश्री सेवा सदन में कई इस प्रकार के निर्णय लिए। देखिए पुष्कर में आयोजित मीटिंग, दिनेश पाराशर पुष्कर। प्रादेशिक सभा के अध्यक्ष गोपी किशन जी बंग भी बैठे हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ करता हूँ। सबके गले में दुपट्टे आ गए क्या? समाज में जो चिंता के गंभीर विषय अभी चल रहे हैं, समाज की समस्याओं से जूझ रहा है, उनका चिंतन मनन भी हम लोगों ने किया करें। कितने प्रभु के लोग समाज के आते हैं, सभी लोग समझदार है, होशियार है, कौन कौन सी समस्या है हमारे सामने, उन समस्याओं का चिंतन करें। हम सब समस्याओं को एक साथ ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन वो चिंतन मनन करें कि आज हमारे समुद्र क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे समुद्र क्यों छूट रहे हैं, हमारी लड़कियां क्यों कमाई रहती है, हमारा लड़का क्यों कमारा बैठा है, हमारी बहू हमने बी एस बैठी है, हमारा हमारी बेटी भी बी एम ए बैठी है, एक घर में दो है, एक बेटी है, एक बेटा है, दोनों ही शादी के बाद भी कमा रहे बैठे हैं। ये क्या हो रहा है, कैसे हमारे परिवार चलेंगे? और एक घर में 10 बच्चे होते थे, वह एक भी बच्चा नहीं है, घर में चिंगारी करने वाला भी नहीं है। तो इन समाज के इन विषयों पर अगर नहीं देंगे तो कौन ये सरकार चलाएगा, कौन ये सरकार चलाएगा? आने वाली पीढ़ी अगर नहीं होगी, हम शादी नहीं कर रहे, हम 30 साल में शादी नहीं कर रहे, 25 साल में तो बाइडेन नहीं बना रहे, बोलते हैं तुम्हारी बेटी का सब करा, हाँ तो बाइडेन तो बना है, तो बाइडेन तब बनाएंगे जब उसकी चेहरे की छत लौटने की खत्म हो जाएगी, तब बनाएंगे क्या? तो इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है, मैं तो रोज बोलता हूँ और एक घंटा बोल दूंगा। मैं चाहता हूँ आप अपने सुझाव इस बारे में दें कि आप लोगों में से जो जानकार है, सभी लोग जानकार है कि ये समस्या कितनी गंभीर है। इस समस्या का चिंतन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में समाज रहेगा नहीं, समाज खत्म ही हो जाएगा। अभी भी हम चाहते हैं तो हमारी संख्या इतनी कम है, मैं तो महासभा को भी कह दो कि हमारी संख्या कम है, ये रोज मुक्त होगा, रोज अगर कहोगे घाटे की रिलेशनशिप मत बनाओ, राजनीति देवोदी में घाटे की बात ही मत करो, हम तो बहुत है ये बात करो, घर में